इधर सारंगढ़ के गुड़ेली में भारी पुलिस व्यवस्था के बीच लाइमस्टोन माइनिंग लीज की जनसुनवाई भारी विरोध के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हजारों की जनसंख्या में महज 161 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। सारंगढ़ के गुड़ेली में लाइमस्टोन माइनिंग का लीज के लिए जनसुनवाई रखा गया था। इस जनसुनवाई में आसपास के गांव सहित गुड़ेली से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जहां 3 मेसर्स के नाम पर 22 एकड़ की जमीन पर उत्खनन की लीज की मांग की गई है, जिसमें चूना के लिए 30 मीटर गहराई तक उत्खनन की मांग की गई है, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हंगामा व नारेबाजी करते हुए विरोध किया। लेकिन बाहर से आए लोगों ने कंपनी के समर्थन में अपना पक्ष रखा। वहीं हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों में महज 167 लोगों ने अपना पक्ष रखा, जिसमें 70% लोगों ने विरोध किया तो वहीं 30% लोगों ने समर्थन किया। वहीं जनसुनवाई में कुछ विवाद न हो इसको ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं इतने विरोध के बाद शांतिपूर्ण जनसुनवाई पूरी हुई। बड़ा ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। यहाँ भव्य एक जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ जाकर देखिए सब जगह क्रैक हो चुका है। भूकंप जैसे स्थिति पैदा हो जाता है, बच्चे भी स्कूल में रहते हैं बाहर डर के निकल जाते हैं। नज़दीक में लात नाला है, माँ चंद्रहासिनी मंदिर है, नाथलदेही है, ये सबको प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसका आज विरोध करने के लिए आए हैं। अभी हमारे सारंगढ़ नया जिला बनने जा रहा है और यहाँ बारूद का सप्लाई बढ़ेगा, खदानें बढ़ेंगे तो बायोडीजल आना चालू हो गया है, तो ये सब खतरे का संकेत है। इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ग्रामीण के जो ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं वो लोग ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। हाँ, जो स्थानीय ज़्यादा मौजूद नहीं है, बाहरी लोग हैं। हाँ, यहाँ बाहरी लोग पैसे देकर खरीद कर आए हुए हैं, खरीदी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक के भी व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ, ये गलत है। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण यहाँ ग्रामीणों क्या कहना है? सब ग्रामीणों का विरोध है, लेकिन अब हाँ, सब ग्रसित हो रहे हैं। मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ और देखो तो यहाँ आज 30/10/2021 को जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तो बहुत सारे जैसे हमारे गांव हैं, बहुत जन व्यक्ति हैं, उन लोगों को तो अभी तक पता नहीं है और पता भी नहीं है। पहले से बुनियादी भी एक बार शायद करवाए हैं, वो भी गाँव में अनुपस्थिति के कारण। और क्या बोलना चाहिए कि यहाँ देखिए हम लोग जनसंपर्क में आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो गुड़ेली का 5% भी आदमी नहीं हुआ है। जो भी आदमी दिख रहे हैं वो बाहर से आए हुए हैं। मेरे को तो लगता है जैसे कि जो तीनों वाले लीज लेने वाले हैं वो लोग पैसा मेरे विषय के लाए हैं इसको। आप लोग क्या परेशानी होती है, क्या परेशानी आप लोग? हम लोगों को बहुत परेशानी होती है भैया। क्या है, यहाँ तो हम लोगों को खदान से धल डूस्ट आता है, धल डूस्ट उसमें तो हम लोगों को पर्यावरण वाला समस्या हो जाता है। जैसे हम लोगों का अपना जैसे बीमारी जैसे फेफड़ा में, वो दुनिया भर के आजकल जान रहे तो भैया। विरोध प्रदर्शन की बात करें, कितने लोग विरोध कर रहे हैं आपके गांव में? यहाँ 75% लोग विरोध वाले हैं सर। हाँ, अभी तक ये जन सुनवाई के लिए हमारे पंचायत द्वारा कोई मुनादी नहीं हुआ है और इस तरह की जन सुनवाई हो, माने 3 क्रेशर माने खदान को लीज देना है, इस तरह से कोई माने मुनादी नहीं हुआ है ग्राम पंचायत में और हमारे गांव में मुनादी नहीं हुई। इतना जनसंख्या है, बहुत बड़ा आबादी है, इसके लिए पंचायत जिम्मेदार है। और हमारे गांव में फ्लाई इस तरह से प्रफुल्लित हो रहा है जिससे जनजीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। और देखिए तो कोई जगह में वृक्षारोपण का कोई उपयोग नहीं। हाँ, बाहर से लोग बहुत आए हैं और स्थानीय लोग भी नहीं हैं और हमारे गांव के तो महिला भी हमारे नज़र में दिख भी नहीं रहे हैं, 5% भी नहीं हैं, बहुत सारे बाहर से आए हैं। इस तरह से अनूप कुमार सिद्धार्थ, ऐसा है ये जो जनसुनवाई होती है ये पर्यावरणीय स्वीकृति जो भारत सरकार और उनके जो विशेषज्ञ कमेटी है उन लोग देते हैं, तो इसका सार यही है क्या इस क्षेत्र में प्रदूषण है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और क्या इस परियोजना से जनजीवन और पर्यावरण को प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा कहना है पूरा प्रभाव पड़ रहा है,
इस इलाके में इतना पत्थर खदान है, क्रेशर है, इसलिए और किसी क्रेशर को और किसी चूना खदान, चूना पत्थर खदान हो चाहे डोलोमाइट का खदान, और अनुमति देने की जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर के भीतर में इतने खदान पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है और उसकी अनुमति कहीं नहीं मिलता होगा, यहाँ दिया जा रहा है। ये पूरे गांव को उजाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए इन पत्थर, इन जमीनों को खोद डाला जाएगा। यहाँ कृषि को नुकसान हो रहा है, जल नुकसान हो रहा है, जमीन का हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, महानदी बगल में बह रहा है, छत्तीसगढ़ का गौरव, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ से 5 किलोमीटर से भी कम, 4.38 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 380 किलोमीटर में हमारा ऐतिहासिक चंद्रपुर है, जहाँ माता चंद्रसेनी और माता हमारी देवी नाथल देवी का दर्शन करने आते हैं। और इसका जिक्र भी उस रिपोर्ट में नहीं है, झूठ बताया गया है। ऐतिहासिक स्थान है, जितने हमारे इस क्षेत्र में, जिले में जो ऐतिहासिक स्थान है उनको इन इस EIA रिपोर्ट में लोप कर देते हैं, छुपा देते हैं। और हमारे पर्यावरण विभाग, हमारे कलेक्टर, हमारी सरकार को ये सब मालूम है कि ये क्षेत्र संवेदनशील है पर्यावरण की दृष्टि से, और ये गांव उजड़ जाएगा, यहाँ के लोग बीमारी में मर रहे हैं, सिल्कोसिस बीमारी से मर रहे हैं, श्वास की बीमारी से, लंग्स का, ये जो हमारा फेफड़ा है, कैंसर की बीमारी हो रही है। इस क्षेत्र में इतने पत्थर खदान हैं और क्रेशर होने के कारण, और ये लाइम स्टोन का 3 खदान क्लस्टर के कानून से एक साथ लोक सुनवाई किया जा रहा है। छोटे खदान का नहीं हो सकता, तो सरकार ने बना दिया कि ये 3 खदान को मिला के क्लस्टर बनाया जाए। ये पर्यावरण कानून में ले आए लोग और एक साथ दे रहे हैं। इतना ज्यादा प्रदूषण होगा इस खदान, इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट झूठी है, या ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है, झूठी है, आंकड़ों को छुपाया गया है। इसलिए मेरा कहना है ये परियोजना मंजूरी के लायक नहीं है, उल्टा जो झूठी जानकारी दिया इनका कंसल्टेंट ने और परियोजना मालिक ने, उनको उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। शासन का समय खराब कर रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था के लिए, पुलिस की व्यवस्था करके लोगों में दहशत बनाया जा रहा है। ये लोक सुनवाई वैसे भी अवैध है, इसको लेकर के हम लोग NGT में जाएंगे, पहले NGT में जाएंगे, और NGT में अगर न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।